धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान किसान आंदोलन को लेकर अमेरिका की एक सिंगर रियाना ने, याद तो होगा ना आपको, अमेरिका की एक सिंगर रियाना ने एक मामूली सा ट्वीट क्या कर दिया था, उसे एक बड़ी टूलकिट साजिश बताते हुए देश के खिलाफ, देश की सुरक्षा के खिलाफ खतरा करार देते हुए भगवा पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया था। उसके समर्थकों ने सड़क से लेकर बॉलीवुड तक अपना नंगा नाच दिखाना शुरू कर दिया था। भोपो मीडिया और उसके द्वारा चाटुकार दंगाई पत्रकार भी अपने स्टूडियो से खूब तलवारें लहलहाने लगे थे। लेकिन आज जब असल मायने में चाइना की एक और ताजा हरकत की वजह से भारतीय सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है, तो ये सब के सब लोग उसूल, नियम, कायदे और कानून की बात कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें देख और सुनकर आप लोग कहेंगे कि भैया खून जो खोलता है वो इतना ठंडा काहे हो गया है। इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं, सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के बयान से। माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य मेरी बात सुने, सबको अधिकार है, संसद सबकी है, सबको अधिकार है। उन्होंने सरकार की तरफ से केवल अपना स्पष्टीकरण दिया है, कोई स्टेटमेंट या इस विषय पर कुछ वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने, आपने सवाल उठाया, सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि हम ये करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप किसी नियम के तहत नोटिस डालेंगे, बीएससी के अंदर फैसला होगा, निश्चित रूप से हर विषय पर चर्चा कराएंगे। आप संसद नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं, आप नोटिस दें, आपका स्थगन, आपने स्थगन दिया है, स्थगन दिया, आपने स्थगन दिया है, स्थगन दिया है ना आपने, स्थगन पे 12 बजे जब व्यवस्था दूं और आपको बोलने का मौका नहीं दूं, तो आप निश्चित रूप से खड़े होकर बोल सकते हैं। आप प्रश्नकाल को क्यों स्थगित करना चाहते हैं? मैं एक अच्छी परंपरा सदन में चलाना चाहता हूं, जब मैं किसी नियमों के तहत आपको नहीं बोलने दूं, तब आप निश्चित रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद बोलेंगे ना आप? आप नोटिस दो, आप फैसला कर दो कि मंत्री के स्टेटमेंट देने के बाद तुरंत चर्चा होगी इस पे। ना, ये तो चर्चा होने का निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होता है। आप नोटिस दो प्रॉपर तरीके से, बिजनेस एडवाइज कमेटी के निर्णय हो जाएगा, मैं डिबेट कराऊंगा आपको। मंत्री जी का रिप्लाई हो गया तो दूसरा क्वेश्चन दीजिए। आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, आपके माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, मैं प्रश्नकाल के अंदर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। आप चर्चा नहीं करना चाहते? सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुन लिया आपने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को, क्या उसूल, क्या कायदे, क्या नियम, क्या कानून की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे मैं बहस नहीं करा सकता, मैं यहाँ पर सवाल जवाब शुरू कराना चाहता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि लोकसभा स्पीकर ही कहते, सीधे सरकार से सवाल करते कि मैं यहाँ सिर्फ चेयर पर ही नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ स्पीकर ही नहीं हूँ, मैं यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष ही नहीं हूँ, इस देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। आखिर चाइना बार बार ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री को बुलाइए, प्रधानमंत्री खूब जवाब देंगे। लेकिन इनके व्यवहार से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इन्हें कोई देश की चिंता है। ये तो सिर्फ रियाना के ट्वीट के बाद ही अपना खून खोलाते हैं, ऐसा लग रहा है। अब आपके सामने राज्यसभा स्पीकर का बयान रख देते हैं। प्लीज 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 एक मिनट नाजिर साहब आप बैठ जाए, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज बैठ जाए, प्लीज प्लीज एक मिनट। माननीय प्रमोद जी, माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी बयान देंगे इस विषय पर। माननीय एलओपी साहब ने अपनी नोटिस पढ़ी, आप 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान सुने, ये संवेदनशील मामला है, देश के हित से जुड़ा, आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी को सुन ले आप, जो माननीय एलओपी साहब की चिंता है, माननीय एलओपी साहब की जो चिंता है, जो सवाल उठा, उस पर ही माननीय रक्षा मंत्री जी बोलने के लिए आ रहे हैं। 12:30 बजे उनके बयान सुनने का धैर्य कम से कम रखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह,
सुन लिया आपने राज्यसभा स्पीकर को, ये तो लोकसभा वालों से भी एक कदम आगे चले गए। वो तो उसूल कायदे की बात पढ़ा रहे थे, ये सिर्फ इस बात पे टिके हुए हैं कि हाँ खड़गे जी आपकी चिंता आपकी आशंका जो है जिन चीजों को लेकर आप परेशान हो सरकार उनका जवाब देगी। थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह जवाब देने आएंगे। कितनी बेशर्मी बेहाई के साथ ये बातें कर रहे हैं, और आप इनके बारे में जानते होंगे, ये तो एक अखबार के संपादक भी रहे हैं। अगर आप उस अखबार का नाम नहीं जानते तो प्रभात खबर उस अखबार का नाम बताया जाता है। खैर इनको भी छोड़ दीजिए, अब आपको आगे लेके चलते हैं लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री के बयान की तरफ। प्रहलाद जोशी उनका नाम है, उनको भी थोड़ा सुन लीजिए किस अंदाज में का खून खोल रहा है या ठंडा पड़ा हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा। जो घटना के बारे में सरकार बता रही है, जो घटना के बारे अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे, इसलिए मैं निवेदन करता हूं क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। सुन लिया आपने प्रहलाद जोशी को, क्या उसूल और कायदे और नियम की बातें की जा रही हैं, और ये वो लोग हैं जो एक ट्वीट के बाद अपने खून को खोलाए हुए थे। अब आपके सामने राज्यसभा में नेता जो हैं मोदी सरकार की ओर से उनका बयान रखने जा रहा हूं, वो भी सुन लीजिए। अरुणाचल प्रदेश ऑन 9 December at 2 PM today, looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the honorable defense minister to make the statement at 12:30 PM instead of 2 PM so that the issue can be placed before the house even by in the middle of question hour. So kindly allow the defense minister to make the statement and he will give all the information that is sought for by the office. सुन लिया आपने किस तरीके से किस अंदाज में क्या बातें की जा रही हैं, क्या ये वही लोग हैं जो एक ट्वीट के बाद वाकई में अपने खून को खोला रहे थे, या सामना चाइना से हो गया इसलिए हलक से आवाज नहीं निकल पा रही हैं, और लाल लाल आंखें दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पार्लियामेंट से गायब ही रहे हैं, वो तो आए ही नहीं हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।